राम मंदिर पर डिंपल ने दिया बयान। गांव गांव रामचरित मानस का पाठ। डिंपल ने दी बीजेपी को कैसी सलाह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और विपक्ष में तकरार जारी है, जहां बीजेपी इस कार्यक्रम को घर घर तक ले जाने के लिए मिशन मोड में प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं मामले को लेकर सियासी तकरार भी जोर शोर से चल रही है। 14 से 22 जनवरी तक बीजेपी यूपी के हर गांव में रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ कराने का कार्यक्रम करने वाली है, जिसको लेकर सपा नेता डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने राम मंदिर और कार्यक्रम को लेकर बयान देते हुए बीजेपी को नसीहत दी है और सलाह भी दी है। मैडम, उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से और 22 जनवरी तक लगातार बीजेपी गांव-गांव रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाने का कार्यक्रम कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी इसका? मैं समझती हूँ भाजपा जो सरकार में आई है वो लोगों के हितों के लिए आई है, और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित प्रदेश में कैसे रहे। उनको इस बात में विचार करना चाहिए जब वो गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जहां भारी संख्या वो युवाओं की देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले। जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जो आवारा पशुओं का जो सवाल है, जहां खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसका निवारण करेंगे, तो उस बात में कोई हल निकला है कि नहीं निकला है? कि जहां कीमतें, जहां महंगाई इतनी बढ़ रही है, जहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो गांव-गांव जा रहे हैं, अच्छा है, तो इन सब सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय कि लगातार लोगों को सुविधाएं दे, लगातार लोगों को नौकरियां दे, खुशहाली का वातावरण और एक खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे। तो सुना आपने, डिंपल का कहना है कि महिला सुरक्षा के नाम पर प्रदेश पिछड़ रहा है, किसान परेशान हैं, नौकरियों के मामले में भी प्रदेश पीछे है, युवा परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, हर जगह बेरोजगार युवाओं की फौज दिखाई दे रही है, सरकार शहीदों का सम्मान नहीं करती है, अग्निवीर योजना में भी खास नहीं बचा है, रेलवे शिक्षा आदि विभागों में नौकरियां भी नहीं हैं। बता दें कि शुक्रवार को सांसद डिंपल यादव क्षेत्र के भ्रमण पर आई थी, जिस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। वहीं आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर अयोध्या में तेजी से तैयारियां भी चल रही हैं। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार और उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि कार्यक्रम में विपक्ष की भागीदारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।